हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। मैं हूं मुकेश चौधरी और आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही शानदार विला वाला प्रोजेक्ट। जैसा कि आप पीछे की तरफ देख रहे हैं, यहां पे विला बने हुए हैं, 5 विला यहां पे टोटल यहां पे आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके अंदर जो है सोल्ड आउट हो चुके हैं 3, 2 ही विला यहां पे पेंडिंग बचे हैं। तो मैं लोकेशन के बारे में बात करूंगा। इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। इसके साथ साथ अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, यूट्यूब पे हमारे साथ काम करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे सलाहकार के नंबर, उस पर आप जाके कॉल कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कैसे आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो लोकेशन के बारे में आपको बता रहा था, अगर अपन न्यूयॉर्क रोड पर लालचंदपुरा एक JDA कॉलोनी, जो JDA के द्वारा काटी गई, उस कॉलोनी की बात करते हैं, तो वहीं पर हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। अगर मैं यहाँ की विशेषताओं के बारे में बताऊँ, तो यहाँ पे 100 फीट की यहाँ पे रोड मिलेगी, और जो अंदर की रोड मिलेगी वो 40 फीट की रोड मिलेगी। नहीं, सबसे छोटी रोड जो है वो यहाँ पे 40 फीट की मिलेगी। यहाँ पे सुख सुविधाएं की अगर अपन आगे बात करें, तो यहाँ पे 6 से 7 JDA के पार्क इसके अंदर काटे गए हैं। इसके साथ साथ यहाँ 2 स्कूल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। बहुत बड़ा एक मंदिर का यहाँ पे निर्माण जो है कार्य चालू है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ साथ ही मैं बता दूं, अगर अपन बात करते हैं आर्मी के जो रेजिडेंशियल एरिया है, वो यहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर है। तो आर्मी पर्सन्स के लिए ये जगह बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। अगर आप यहाँ पे अपना मकान लेते हैं, तो बहुत ही अच्छी जगह आपको ये मिलने वाली है। तो अपन कैमरामैन जिसका टूर करेंगे, एक बार आइए, एक बार अपन इसका टूर कर लेते हैं। साइज़ और प्राइस की बात जो है अपन सबसे लास्ट में करेंगे। आइए कैमरामैन जी। तो जैसे कि अपन सबसे पहले देखते हैं, सामने की तरफ से अपन एंट्री करते हैं, तो यहाँ पे 2 गेट आपको देखने को मिलेंगे, एक बाइक स्कूटी वगैरह के लिए, एक अपने कार के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। दोनों के सेपरेट गेट यहाँ पे दिए गए। अंदर जैसे अपन घुसते हैं, तो यहाँ पे आपको वाटर टैंक दिया गया पार्किंग के एरिया के अंदर। उस एरिया के अंदर आपको वाटर टैंक देखने को मिलेगा। प्रॉपर यहाँ पे कार पार्किंग के लिए और अपने बाइक पार्किंग के लिए अलग अलग प्रॉपर यहाँ पे आपको जगह देखने को मिलेगी। साथ साथ में अगर अपन बात करते हैं अंदर की तरफ, अपन जैसे ही एंटर करते हैं, यहाँ पे डाइनिंग ड्राइंग एरिया जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो भी बहुत अच्छे स्पेस में। यहाँ पे आप आराम से एल सोफा यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। एक बार थोड़ा लुक दिखा दीजिए, थोड़ा सा कैमरा जूम करके एक बार आप लुक दिखाइए, कितना प्यारा यहाँ पे जो है लुक आपको देखने को मिलेगा। इधर की तरफ हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हैंड वॉश के लिए यहाँ पे आपको एरिया देखने को मिलेगा। कैमरामैन जिधर की तरफ दिखाइए, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो भी बिल्कुल सेपरेट यहाँ पे दिया गया है। इसके साथ साथ अपन सबसे पहले इधर बाहर की तरफ ही नजर डाल लेते हैं। यहाँ पे आपको किचन देखने को मिलेगा। ये कैमरामैन जी एक बार किचन का लुक एक बार दिखा दीजिए। किचन एल शेप में यहाँ पे दिया गया है। वार्डरोब्स वगैरह भी किचन में यहाँ पे लगी गई है, और मतलब अगर माने तो मॉड्यूलर किचन टाइप में यहाँ पे दिया गया। सामने की तरफ अगर अपन देखते हैं, तो यहाँ पे विंडो दिया गया है, जो कि वेंटिलेशन के लिए आपके लिए परफेक्ट रहेगा यहाँ पे। अब अपन देखते हैं, अपन यहाँ पे टूर करने वाले हैं 3 बेडरूम का ये जो है डुप्लेक्स यहाँ पे बना हुआ है। तो सबसे पहले अपन एक रूम देखेंगे, उसके बाद अपन ऊपर चलेंगे। नीचे एक रूम बना हुआ है, वो अपन एक बार देख ले। तो रूम की साइज की अगर अपन बात करें, तो लगभग 12x10x11 के आसपास यहाँ रूम मेरे को देखने को मिल रहा है। तो एक बार रूम का लुक दिखा दिए। सामने जो वॉलपेपर का जो काम किया गया, वो भी बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल काम मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ साथ में इधर वेंटिलेशन के लिए विंडो यहाँ पे देखने को मिलेगी। इस रूम के अंदर इधर की तरफ अगर देखेंगे अपन, तो यहाँ पे अटैच लेट बाथ आपको यहाँ पे प्रॉपर दिखाई देंगे। अंदर की अगर बात करते हैं अपन टाइल्स वगैरह की भी, वो भी बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पे काम किया गया है। और गेट्स वगैरह की भी अगर इस पर बात करूँ मैं, इनकी प्लाई की जो माइका वगैरह है, इनकी बात करूँ, तो बहुत ही अच्छा लुक यहाँ पे आपको रिसेंट लुक देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अपन ऊपर चलेंगे। अपन ने जैसे कि अभी नीचे देखा पार्किंग, अपन ने देखा ड्राइंग डाइनिंग एरिया अपन ने देखा, साथ साथ में अपन किचन अपन ने देखा। इससे पहले अगर अपन ऊपर चलेंगे, तो इधर की तरफ देखते हैं अपन यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉमन लेट बाथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एक बार आप दिखा दिया, सॉरी कॉमन लेट बाथ नहीं, पाउडर रूम यहाँ पे आपको दिया गया है। इसके अंदर जो है बात की सुविधा आपको जो नहीं देखने को मिलेगी। अगर अपन ऊपर चलते हैं, तो 2 रूम अपन देखेंगे। आइए कैमरामैन जी, अपन ऊपर की तरफ देख लेते हैं एक बार। बहुत ही यहाँ की शोभा ये आपको जो है बढ़ा रहा है। यहाँ पे यहाँ की बात करें, तो यहाँ पे भी अपन आराम से सिटिंग के लिए सोफा यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। बहुत अच्छा सीनरी वगैरह का भी यहाँ पे काम करके बहुत ब्यूटीफुल तरीके से इसको सजाया गया। आइए कैमरामैन जी, अपन एक रूम देख लेते हैं जो कि पीछे। रूम की साइज जो है वो जो जैसे नीचे रूम बना हुआ था, लगभग उसी साइज का यहाँ पे 10x12 का रूम मेरे को यहाँ पे लगभग देखने को मिल रहा है। इधर की तरफ अपन बात करते हैं, तो यहाँ पे इसके अंदर अटैच लेट बाथ हो जाता है। इस जगह ड्रेसिंग वाला एरिया यहाँ पे आपको छोड़ा गया है। वॉलपेपर वगैरह की और होल सीलिंग की बात करूँ, तो बहुत प्यारी यहाँ पे दी गई है। साथ साथ में AC फिटिंग भी आपको जो है यहाँ पे प्रॉपर देखने को मिलेगी। चलिए अपन एक बार पीछे वाले रूम की तरफ, सॉरी जो फ्रंट वाला जो रूम है उसकी तरफ अपन नज़र डाल लेते हैं। इस रूम की तरफ अपन देखते हैं, तो रूम की साइज थोड़ी बड़ी है। ये वॉलपेपर का काम भी बहुत अच्छा किया गया है। इधर की तरफ अपन बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको इसमें भी लेट बाथ जो है अटैच यहाँ पे मिल जाएगा। लेट बाथ का थोड़ा स्पेस दिखाइए कैमरामैन जी, बहुत प्यारा स्पेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे देखी आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे टोटल 3 रूमों में अटैच लेट बाथ है, साथ साथ में कॉमन और अलग से यहाँ पे दिया गया। इधर की तरफ अगर बात करता हूँ मैं यहाँ पे इस रूम में सामने की तरफ, तो यहाँ पे सफिशियंट बालकनी का एरिया भी यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा स्पेस है यहाँ पे बालकनी का। यहाँ पे ग्लास वगैरह स्टेनलेस स्टील लगा के बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। तो अपन जैसे कि बात कर रहे थे यहाँ की प्राइस और साइज़ की, अगर अपन बात करते हैं, तो JDA अप्रूव्ड 75
इसको यार्ड में ये बना हुआ है। अगर प्राइस की बात करें तो 26 लाख रुपए की प्राइस रखी गई है। बाकी जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, हमारे सलाहकार के नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, आप जाके उनको फोन कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।